नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश ठाठी और सिलसिला बाजारों का मैं आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कमोडिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि आज सुबह की कार्रवाई सत्र में कमोडिटी बाजार कैसा कारोबार करता नजर आ रहा है, किस कमोडिटी के अंदर कितनी मनी तेजी के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है और उस पर रुपए मेहता की क्या राय है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहां पे छोटा सा आउटलुक लेंगे हम यहां पे नॉन एग्री कमोडिटीज में सोने और चांदी से शुरुआत करके। तो देख रहे हैं यहाँ पे आज सोना $1869 पर है और सिल्वर $25.2 पर कारोबार करती नजर आ रही है। सिल्वर के अंदर आधे फीसदी की तेजी है और जो डॉलर और जो गोल्ड है वो भी ठीक ठाक लेवल्स पर अब कारोबार करता नजर आ रहा है। दरअसल देख रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में भी तेजी है, इन्फ्लेशन रेट भारत में भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, डॉलर में हल्की सी फुल्की कमजोरी देखने को मिली थी और जो गोल्ड की जो खरीदारी है वो बढ़ती हुई नजर आई है। इन सब फैक्टर्स के चलते सोने चांदी की जो कीमतें उनके अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। और दूसरा, जो अभी यूएस फेड की बैठक हुई थी, फेडरल रिजर्व बैंक की बैठक हुई थी, उसमें उन्होंने ब्याज दरों में बढ़ाने पर ऐसा कोई खास निर्णय नहीं लिया था, जिसकी वजह से सोने चांदी की कीमतों में जो प्राइसेस हैं, जो दाम हैं और जो खरीदारी है वो अभी बढ़ ही रही है और आगे भी सोने चांदी कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो आज के कारोबारी सत्र में सोने चांदी में क्या करके चलना सही रहेगा और आगे सोना चांदी आपको कितना मुनाफा कमवाते नजर आ सकते हैं, आइए जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एमसीवी पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर आज भी अच्छी तरह से चमक रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सोने चांदी की कीमतों में अब धीरे धीरे तेजी बनती नजर आ रही है, अगर साल 2020 का भी रिकॉर्ड तोड़ दे तो कोई नई बात नहीं होगी? देखिए, जो सोने और चांदी के अंदर दरअसल देखिए अब जो तेजी बनती दिखाई दे रही है, इसको समझना होगा। डॉलर के अंदर जो गिरावट आई है उसकी वजह से सोना और चांदी उठते हुए दिखाई दिए हैं और वहीं यूरो भी अपने 16 महीने के लो पर पहुंच चुका है। दरअसल आज यूएस के अंदर रिटेल सेल्स का डेटा आना है, उसके ऊपर काफी नजरें रहेंगी। अगर ये डेटा पॉजिटिव आता है तो फेडरल रिजर्व को इंटरेस्ट रेट हाई करने पड़ सकते हैं, तो जिसके चलते डॉलर के ऊपर दबाव आ सकता है और सोने और चांदी के अंदर वापिस से खरीदारी लौट सकती है। तो ये सिनेरियो अभी फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सोना आज $1868 पर ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि $1860 के बाद आपको $1880 से $1900 तक सोना जाता हुआ दिखाई दे सकता है और इसमें एक तेजी का दौर बन सकता है। अब यहाँ पर सोने के अंदर फिलहाल खरीदारी कंटिन्यूशन में रह सकती है और आने वाले दिनों में भी सोने के अंदर बाइंग जो है बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। तो हाल फिलहाल में अगर टारगेट्स की बात की जाए, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि सोने और चांदी में आप जो है अच्छे टारगेट्स आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सोने के अंदर 50,000 का स्तर संभव है और आज भी हम सोने को 49,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं, तो आज इंट्राडे में भी 49,500 से लेकर 600 की रेंज आ सकती है और उसके बाद आप मान के चलिए कि 1 से 2 हफ्तों के अंदर हो सकता है आपको 50,000 का स्तर छूटा हुआ दिखाई दे। और अगर ये रिटेल सेल्स का डाटा जो है पॉजिटिव आ जाता है तो डेफिनेटली सोने के अंदर एक बुल रन जो है बन सकता है और इमीडिएटली हमें देखने को मिल सकते हैं 50,000 के स्तर। तो सोने के अंदर बाइंग में ही रहना चाहिए, जो भी डिप आती है उसमें खरीदारी करके चले, आज इंट्राडे में भी खरीदारी करके चला जा सकता है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी तेजी का दौर है, चांदी 68,000 तक ऊपर जा सकती है, 68,000 से 70,000 की रेंज फिलहाल चांदी में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरे हिसाब से सोना चांदी दोनों में ही खरीदारी की रणनीति होनी चाहिए, आज इंट्राडे में भी बाइंग कर सकते हैं छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ और थोड़ा सा वेट, जो भी डिप मिले उस डिप के अंदर भी बाइंग लेकर चला जा सकता है। जी, यहीं से रूपा जी नजर डालें अगर क्रूड ऑयल के ऊपर, तो क्रूड ऑयल देख रहे हैं आज कुछ बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। हालांकि जो यूएस में जो इन्वेंट्रीज हैं वो थोड़ी बढ़ती नजर आई हैं, रिलीज होती हुई नजर आई हैं, तब भी हम देख रहे हैं कि क्रूड में अब तेजी बनती नजर आ रही है। रूपा जी, आपको क्या लगता है डिमांड और सप्लाई फैक्टर लगातार उठापटक जो कच्चे तेल का देखने को मिल रहा है, तो क्या आने वाले नए साल में भी कच्चे तेल में तेजी देखने को मिल पाएगी? देखिए, जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल अब पहले तो हमें ये समझना है कि ये गिरा क्यों था और अब ये फिर से बढ़ना क्यों शुरू हो गया। दरअसल कच्चे तेल में जो गिरावट आई थी वो डिमांड फैक्टर को लेकर हमें गिरावट देखने को मिली थी और जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इन्वेंट्री सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो बाइडन ने यूएस के रिजर्व में से क्रूड को जो है सप्लाई करने के लिए बोला था कि ऐसी एक्सपेक्टेशन निकल कर आ रही थी कि रिलीज किया जा सकता है क्रूड यूएस के रिजर्व में से, ताकि इसकी जो प्राइजेस हाई
स्पाइक हो रही है गैसोलीन की, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सके। और वहीं दूसरा, कोरोना के जो ये केसेस एक बार फिर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसका भी एक इम्पैक्ट है कि आगे जो है सप्लाई जो है और डिमांड जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। जो अभी डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं फिर से थमती हुई नजर आ सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से कच्चा तेल जो है कभी नीचे तो कभी ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जो सिनेरियो बनता हुआ आज दिखाई दे रहा है, डिमांड तो देखिए अभी भी क्वेश्चन मार्क में है। डिमांड के ऊपर अभी भी इन्वेस्टर्स जो है अपनी नजरें बनाए हुए हैं और सप्लाई अहम रोल प्ले करती हुई नजर आ रही है। और अगर ये कोरोना के केसेस फिर से बढ़ जाते हैं तो डिमांड जो है वो कम होगी और सप्लाई ऑलरेडी कम है। तो और अगर यूएस की तरफ से रिजर्व में से सप्लाई निकाला जाता है तो फिर सप्लाई का इम्पैक्ट ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी और डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो जिसके मद्देनजर प्राइसेस जो है वो नीचे जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए जो रेंज बनती दिखाई दे रही है आज इंट्राडे में, नो डाउट एक बार फिर से जो है सप्लाई के ऊपर यही क्वेश्चन मार्क है कि सप्लाई बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। इस चक्कर में एक बार फिर से इस क्रूड के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी लौटी है। और जो कल क्रूड हम $80 के नीचे लुढ़कता हुआ देख चुके हैं, आज फिर से $80 के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक बार फिर से खरीदारी विदेशी बाजारों के साथ साथ घरेलू बाजारों में भी लौटी है। तो यहाँ पर WTI $82 और ब्रेंट जो है 85 तक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में 6120 तक फिलहाल कच्चा तेल जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आज 6063 पर चल रहा है। 6020 के स्टॉप लॉस के साथ आज इंट्राडे में कच्चे तेल में खरीदारी करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, कच्चे तेल के साथ साथ देखना बेस मेटल्स का भी बाजार हफ्ते के दूसरे कारोबार दिन अच्छा खासा खुलता नजर आ रहा है। आपकी तरफ से बेस मेटल्स में आज इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? देखिए बेस मेटल्स में भी अखिलेश बाइंग है, एक बार फिर से निचले स्तरों पर उठा पटक जरूर देखने को मिली है। लेकिन बेस मेटल्स के अंदर लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी लेकर चलना चाहिए। बाइंग की जब भी डिप आती है तब आप इसमें बाइंग की पोजीशनें खड़ी कर सकते हैं। निकल अच्छा लग रहा है यहाँ से, मुझे लगता है कि निकल एक बार 1540 तक ऊपर जा सकता है। कॉपर की बात करें तो 720 से 760 की इसकी रेंज ऊपर अपर साइड में बनती हुई दिखाई दे रही है। तो डिप पर कॉपर में भी खरीदारी की जा सकती है, निकल में भी बाइंग करके चला जा सकता है। मुझे लगता है दोनों ही कमोडिटीज बेस मेटल के अंदर एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसी के साथ एल्युमिनियम भी आज इंट्राडे में 212 तक ऊपर जा सकता है। तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी बेस मेटल्स में भी बनाकर चला जा सकता है। जी रूपा जी, जानना चाहेंगे आपसे आज नॉन एग्री कमोडिटीज में आपकी तरफ से टॉपिक्स क्या रहेंगे? चांदी दोनों ही हॉट पिक होने चाहिए, इनके अंदर बाइंग की पोजीशन रखें और साथ में जो यूएस का फैक्ट्री सेल्स का डाटा आना है उस पर भी नजर रखें और इसके मद्देनजर इसमें बाइंग करके चलना चाहिए। और आने वाले दिनों में सोना और चांदी एक बार फिर से अच्छी चमक बिखेरते हुए नजर आ सकते हैं। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट की आज सुबह के कार्रवाई साथ में कमोडिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय है। फिलहाल सिलसिला बाजार का मैं बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।